हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में दो एकादशी होती हैं। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अलग नाम और महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्रा का कहना है कि शास्त्रों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। 24 एकादशियों में इसे सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर आप साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं रह पाए हैं, तो सिर्फ इस एक एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक रहने से 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये व्रत बेहद कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। इस कारण तमाम लोग इस व्रत को नहीं रख पाते। अगर आप भी ये व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर करें। वैसे तो किसी भी एकादशी में चावल खाना वर्जित माना गया है, लेकिन फिर भी तमाम लोग इस नियम को नहीं मानते और चावल खा लेते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन आप ऐसा नहीं करें। इस दिन भूलकर भी चावल ना खाएं और ना ही अपने परिवार को लोगों को खाने दें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम सात्विक दिन तो व्यतीत कर ही सकते हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है। तो आज के दिन यानी एकादशी के दिन आप प्याज और लहसुन को खाने से परहेज करें, साधारण भोजन खाएं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो भी व्रत के कुछ नियमों का पालन करें। किसी की चुगली या बुराई ना करें इस दिन, ना ही किसी को अपशब्द कहें। मन को साफ और शुद्ध रखने का प्रयास करें और दिन में नारायण के मंत्रों का जाप करें। अगर संभव हो तो पूजा के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा भी पढ़ें या सुनें।